बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए घटक दलों की कल पटना में बैठक हुई। इस बैठक में सभी घटक दलों ने मिशन 2025 में मंथन किया और एनडीए ने विधानसभा में 225 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने के लिए सभी घटक दलों ने कमर कस ली है। 2025 में एक बार फिर नीतीश की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार की अगुवाई में कल हुई बैठक में मिशन 2025 पर चर्चा हुई। इस बैठक में जेडीयू, बीजेपी, एचएम, एलजेपी, रामविलास और आरएलएम पार्टी के नेता शामिल हुए। बैठक में संकल्प लिया गया कि हम सब एकजुट हैं और मिशन 2025 को मिलकर फतह करेंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि 225 विधानसभा सीट इस बार जीतेंगे और महागठबंधन का जो ठग गठबंधन है उसका राजनीतिक पोस्टमार्टम करेंगे। मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया कि सरकार के कामों को गांव-गांव तक पहुंचाना है। देखिए 2025 में लगभग इसी समय विधानसभा का चुनाव होना है तो ऐन वक्त पर तैयारी नहीं होती है, इसलिए हमारे नीतीश कुमार और सजीव भविष्यवक्ता हैं और देख करके उन्होंने सब लोगों को पहले ही से कमर कस लिया है और सब लोगों को सावधान कर दिया है। इसी के लिए हम लोगों का एनडीए गठबंधन के सभी लोगों को उन्होंने बुला करके सबको अपनी अपनी बातें कह दी है कि हमें क्या करना है। पशुपति पारस और उनकी पार्टी बिहार एनडीए से बाहर हो गई है। एनडीए की बैठक पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई और बैठक में जो नेता उपस्थित होने चाहिए थे उस स्तर के नेता वहाँ उपस्थित नहीं थे, जो चुनाव को लेकर के अगर खास तौर पे ये बैठक चुनाव को लेकर बुलाई गई थी तो वो मुझे लगता है कि अधूरी रह गई वो बात।